और लक्ष्मी अरुण, रश्मि अरुण, माफ कीजिएगा, अरुण शमी जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव हैं रश्मि अरुण शमी, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, कैसा रहा परीक्षा परिणाम इस बार का? तो दसवीं में हमारी अपेक्षा से थोड़ा कुछ कम है, लेकिन बारहवीं में बहुत अच्छा परिणाम आया है और लड़कियां उन्हें अच्छा किया है। दोनों कक्षाओं में लड़कियों ने बेहतर किया जी, दोनों ही कक्षाओं में लड़कियों ने बेहतर किया। अगर हम जिलों की बात करें तो किन जिलों में बेहतर परफॉर्मेंस आप देख रही हैं? हम दसवीं के टॉपर देखते हैं मंडला आदिवासी क्षेत्र से। जी जी जी, तो आप अगर देखेंगे, अभी सेक्रेटरी साहब आपको बताएंगे कि जैसे बालाघाट जिला है, जैसे नीमच जिला है, अलीराजपुर जिला है, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जो बड़ी अच्छी बात है। अगर हम बारहवीं की बात करें तो बारहवीं के परीक्षा परिणाम किस तरीके से देखते हैं आप? बारहवीं में पिछले साल के अनुपात में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, जो कि बहुत एनकरेजिंग बात है। और हमें अच्छा उम्मीद है कि एक बार हम और देखेंगे कि बहुत सारे जो अच्छे काम हुए हैं उसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, जिससे और अच्छा रिजल्ट आए। जिन बच्चों ने परीक्षा पास नहीं कर पाई या जो जिनके अच्छे अंक नहीं रहे, उनके लिए क्या संदेश? तो मैं उनको और उनके माता पिता को कहना चाहूँगी कि वो निराश और हतोत्साहित बिल्कुल नहीं हो। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हमारी अपेक्षा के अनुसार हमें सफलता नहीं मिलती है, लेकिन हम थोड़ा सा रास्ता देखें और निकालें, जैसे रुक जाना नहीं हमारी स्कीम है, उसमें भाग लें, तो बच्चे बहुत अच्छा अगले साल कर सकेंगे और जो ये थोड़ी सी परेशानी है उससे बाहर निकल सकते हैं। थोड़ी सी परेशानियां जरूर होती हैं कई बार। रश्मि अरुण शमी से हम बातचीत कर रहे थे और स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव हैं। रश्मि अरुण शमी का कहना है कि निराश नहीं होना है, अगर जिन लोगों के परीक्षा परिणाम बेहतर नहीं आए हैं तो उन्हें एक और मौका मिलेगा, रुक जाना नहीं योजना के तहत। अगर हम बारहवीं के रिजल्ट की बात करें दिव्यांश, देखिए बारहवीं में जो नियमित परीक्षार्थी हैं उनमें से अगर हम कुल परीक्षार्थियों की बात करें तो यहाँ पर 64.49% जो है परीक्षा परिणाम रहा है, और इस बार जो छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत रहा है वो 51.01 रहा है। मंडला बालाघाट जैसे जो आदिवासी जिले हैं, इन आदिवासी जिलों में लड़कों ने कमाल किया है, बच्चों ने कमाल किया है, और ये वाकई में अपने लिए बहुत अच्छी बात है कि मंडला बालाघाट नीमच जैसे जो जिले हैं, इन जिलों के छात्र अगर बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि आदिवासी जिले ये माने जाते हैं और इन जिलों के परीक्षा परिणामों में जब अच्छा परिणाम आता है तो निश्चित तौर पर इस पर खुशी होती है। और अगर हम दसवीं की परीक्षा की बात करें तो देखिए अनुष्का अग्रवाल हैं, ये मंडला जिले की रहने वाली हैं, इनका प्रथम स्थान है, 495 अंक हासिल किए हैं। रेखा रेबारी हैं जो कटनी की रहने वाली हैं, 493 अंक के साथ ये दूसरे नंबर पे हैं। अगर हम तीसरे स्थान की बात करें तो स्मिता तोमर हैं, ये आगरमालवा की हैं और 493 नंबर इनका भी, ये भी दूसरे स्थान पर ही है। तो आगरमालवा और मंडला जैसे छात्रों का माल, केडी त्रिपाठी साहब से बातचीत कर लेते हैं, परीक्षा परिणाम सर किस तरीके से देखते हैं आप? परीक्षा परिणाम जो है आज घोषित हो गया है, इसमें जो है जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है उनके लिए जी बिल्कुल, मैं बातचीत कर रहा था और बोर्ड के सचिव हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दिव्यांश आवाज पहुंच रही मेरी? बिल्कुल आकाश पहुंच रही है, पहुंचे गहमा गहमी ज्यादा है इसलिए हम समझ पा रहे हैं, वहाँ पे आसान नहीं है बात करना भी। बिल्कुल देखिए, जो मैं जिक्र कर रहा था कि मंडला जिले की बात करें, मंडला अगर यहाँ पर हम संसदीय सीट की बात करें तो 68% आदिवासी, और यहाँ की टॉपर है जिनका नाम है अनुष्का अग्रवाल, और ये बहुत बड़ी बात थी कि आदिवासी क्षेत्रों से बच्चे टॉप कर रहे हैं। एमपी बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित हुई थी, करीब 16 लाख जो बच्चे हैं, 16 लाख बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए और उसका जो परीक्षा परिणाम है हमारे सामने मौजूद है और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, और इस लिस्ट के आधार पर अगर हम बारहवीं की परीक्षा की बात करें, अगर हम कला समूह की बात करते हैं तो जयंत यादव ने टॉप किया है, 487 नंबर है, और जयंत यादव शाहजहाँपुर के रहने वाले, इनका पहला स्थान है। दूसरी ओर कुलदीप मेवाड़ा है जो शाहजहाँपुर के ही रहने वाले हैं, इनका भी दूसरा स्थान है और ये 486 अंक के साथ हैं। अगर तीसरे अंक की बात करें, तीसरे स्थान की बात करें तो निशा भारती आती है, नरसिंहपुर से बिलोंग करती हैं। और अगर हम अब गणित विज्ञान समूह में आते हैं तो यहाँ पर अंशिका मिश्रा जो रीवा जिले की रहने वाली, इनका पहला स्थान है 493 नंबर के साथ। तो लड़कियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस बार की बोर्ड परीक्षा परिणाम में किया है और स्कूल शिक्षा विभाग को इस बात की खुशी भी है कि लड़कियां बेहतर कर रही हैं। इसके साथ साथ ही जो जिन जिलों को पिछड़े जिलों के तौर पर देखा जाता है, यहाँ के स्टूडेंट ने आज साबित किया है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसके आधार पर आप आगे जा सकते हैं। बोर्ड परीक्षा के परिणाम ये बताते हैं कि छोटे जिलों के बच्चों ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। अगर हम विज्ञान यानी कि साइंस मैथ ग्रुप की बात करते हैं
तो अंकित चौबे हैं, ये छतरपुर के हैं, 491 नंबर के साथ दूसरे स्थान पर हैं। दूसरी ओर गीता लोधी हैं, नरसिंहपुर की रहने वाली हैं, तीसरे स्थान पर हैं। और अगर अब हम कॉमर्स ग्रुप में आते हैं तो कॉमर्स में मुस्कान दांगी विदिशा जिले की रहने वाली हैं और मुस्कान दांगी का पहला स्थान है 493 नंबर के साथ। दूसरी ओर गरिमा जैन है जो छतरपुर की रहने वाली है, 482 अंक के साथ दूसरे नंबर पर पहुंचती हैं। फिर गौरी जायसवाल हैं जो नरसिंहपुर के रहने वाली, इनका भी दूसरा स्थान है और ये 482 नंबर के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं। फिर दिया कोटवानी, ये मंडला जिले के रहने वाली, इनका भी दूसरा स्थान है। तो आप देखिए लगातार मैं जितने नाम टॉपर्स के पढ़ रहा हूँ, इन नामों में जो अधिकता है वो छात्राओं की है, यानी कि छात्राओं का परफॉर्मेंस छात्रों से बेहतर रहा है। और पिछली बार के रिजल्ट में भी अगर हम बात करें तो पिछली बार भी छात्रों ने बेहतर परफॉर्मेंस किया था और इस बार भी छात्रों ने अपना दम दिखाया, यानी कि बच्चियों ने बाजी मारी है। अगर हम दसवीं की परीक्षा के कुल परीक्षा परिणाम की दिव्यांश बात करें तो देखिए जो उत्तीर्ण छात्रों का परीक्षा फल है वो 54.35% है। और अगर हम ओवरऑल बात करते हैं संख्या के आधार पर तो देखिए 3,50,067 विद्यार्थी जो हैं वो पहली श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। दूसरी ओर अगर हम करीब 16,09,863 ये ओवरऑल दसवीं के छात्रों की अभ्यर्थियों की संख्या है जो इस बार परीक्षा में शामिल हुए थे। और देखिए जो अभी मैं बता रहा था कि जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास की है, चाहे वो पहली श्रेणी के हों, दूसरी श्रेणी के हों या तीसरी श्रेणी के हों, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो इस परीक्षा में सफल नहीं हुए हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई बार परीक्षा परिणामों की वजह से। अच्छा जल्दी से बता दीजिए अगर सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की डेट आई है क्या अभी या आगे आएगी? रुक जाना नहीं उतना। आकाश अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स को लेकर कोई अभी जानकारी आई है क्या? बिल्कुल, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स जो है उसकी डेट्स मेंशन्ड है और उसका भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन उसके पहले जो तुलनात्मक परीक्षा परिणाम है 2023 और 2024 का, तो देखिए 23 में जो परीक्षा परिणाम है 63.29% है और इस बार 24 में उत्तीर्ण नियमित विद्यार्थियों का जो परीक्षा प्रतिशत है वो 98.10 यानी कि 5% का कुल अंतर है। देखिए अब जो सप्लीमेंट्री परीक्षाएं होनी है अगर हम उनका जिक्र करेंगे, उसकी जानकारी पूरी छात्रों को डिटेल से देंगे, लेकिन उसके पहले जिस बात पर हम चर्चा कर रहे थे कि जो बच्चे उत्तीर्ण नहीं हुए, यानी कि जिन्हें हार का सामना, यानी कि यूं कहें फेल होने का सामना करना पड़ा है, फेल हुए हैं, उन्हें निराश नहीं होना है, रुक जाना नहीं, ये सरकार की बाकायदा योजना है और उस योजना के तहत उन्हें मौका दिया जाता है। और अभी हम जब स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी से बातचीत कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि जो छात्र असफल हुए हैं वो चिंता ना करें, उनके माता पिता भी चिंता ना करें, क्योंकि ये कुछ अंक हैं और इन अंकों के हिसाब से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप दोबारा जब कोशिश करेंगे तो दोबारा परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। ठीक है आकाश, ये आंकड़े अपने आप बताने के लिए काफी हैं कि दो प्रमुख बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली जो प्रमुख बात है कि इस साल भी हर साल की तरह छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है, और जो दूसरी बड़ी बात है कि दसवीं के परिणामों पर अगर हम आंकड़े देखते हैं समझते हैं तो पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रदर्शन थोड़ा फीका नजर आ रहा है, इसको लेकर भी मंथन करने की बात शिक्षा मंडल विभाग बता रहा था। आकाश दसवीं का रिजल्ट पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम बेहतर है। पूरक परीक्षा की बात कर रहे थे दिव्यांश आप, जो हाई स्कूल की सर्टिफिकेट वर्ष परीक्षा 2024 की पूरक परीक्षा है वह 10 जून 2024 से शुरू होगी, जबकि हायर सेकेंडरी यानी कि जो 12वीं की पूरक परीक्षा है आकाश आकाश हमारे सहयोगी अजय दुबे छात्राओं के बीच में है, क्या माहौल है जरा उनसे जान लेते हैं। अजय बिल्कुल, देखिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने रिजल्ट घोषित कर दिया और हमारे साथ वो छात्र हैं जो 12वीं में टॉप किए हैं, 8वां स्थान 9वां और 10वां स्थान जिन्होंने हासिल किया है, ये प्रशांत बबली के साथ कनिष्का हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत भी करेंगे।
पहले प्रशांत आपसे ही बातचीत करना चाहेंगे, किस सब्जेक्ट में थे आप और कैसे प्रिपरेशन किया? जय हिंद सर, मेरा नाम प्रशांत राजपूत है और मैं 12वीं से गणित समूह का छात्र हूँ। सर मैंने बिल्कुल स्कूल के बाद घर जाके 3-4 घंटा प्रॉपर सेल्फ स्टडी को दिया करता था, उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया, बस कंसिस्टेंटली पूरे साल स्कूल के बाद दिसंबर तक कोर्स हो जाता है 3-4 घंटा सेल्फ स्टडी को दिया करता था। उसके बाद मेरे पास जब 2 महीने लास्ट के बचे थे बोर्ड एग्जाम से पहले, तो मैंने अपने 60 दिनों को अपनी क्षमता के अनुसार 5 सब्जेक्ट्स में कुछ को, जैसे केमिस्ट्री में 14 दिन, फिजिक्स में 18 दिन, मैथ्स में 20 दिन, इंग्लिश आईटी और इंग्लिश, ऐसे मैंने डिवाइड कर लिए और लास्ट टाइम में मैंने जम के रिवीजन किया, क्योंकि स्कूल टाइम में मैंने 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी के साथ अपने नोट्स तैयार कर लिए थे और एनसीईआरटी एक बार मैंने पूरी 2-3 बार पूरी पढ़ ली थी और रिवीजन के समय एक और बार पढ़ ली। अक्सर क्या होता है सर कि हम लोग ना रिफ्रेशर्स और इधर उधर की बुक्स के चक्कर में एनसीईआरटी को थोड़ा सा नकार देते हैं, बट मेरा एडवाइस यही है सभी से कि सेल्फ स्टडी में एनसीईआरटी को भी रीड किया करें, क्योंकि एनसीईआरटी से ज़्यादा चीज़ें फंसती हैं। बबली आपका 9वां स्थान है, किस तरह से प्रिपरेशन किया और किस सब्जेक्ट से हैं आप? जी सर, मेरा नाम बबली मीणा है, मैं 12वीं कला की छात्रा हूँ। सबसे पहले इसका श्रेय मैं अपने स्कूल, सभी टीचर्स एंड ऑब्वियसली मेरी फैमिली को भी जाता है, जिन्होंने मुझे हर समय सपोर्ट किया। और मैं एक हॉस्टलर हूँ, मतलब मैं स्कूल का हॉस्टल में ही रहती हूँ, तो मुझे हर जगह से सपोर्ट मिला और स्कूल का भी बहुत योगदान रहा और सारे टीचर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा यही कहना है, यदि स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी से यदि हम पढ़ें, एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर कोई सा क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट। इतनी रीडिंग कर लो 2-3 बार कि आपको पूरा याद हो जाए, फिर भी आपका एक भी मतलब ऑब्जेक्टिव गलत ही नहीं जा सकता यदि आप प्रॉपर रीडिंग करेंगे तो, क्योंकि एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं और एनसीईआरटी से बाहर तो हमारा कहीं जाते ही नहीं। कनिष्का आपका भी 10वां स्थान है, किस तरह से आपने तैयारी की, आपको पता था कि आप 10th स्थान आप ला पाएंगे? जी बिल्कुल, मैंने स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी रखी और आई थिंक मैं सबसे श्रेय अपनी माता रानी को देना चाहूंगी, सेकेंडली माई पेरेंट्स, थर्डली माई टीचर्स एंड फोर्थली माई ऑल वेल विशर्स जो मेरे दोस्त वगैरह हैं। एंड आई थिंक एनसीईआरटी आर मोर देन सफिशियंट, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, मैंने 10 टाइम्स एनसीईआरटी रिवाइज की थी और उसी से मोस्ट ऑफ द सिलेबस आता है, उसके बाहर से कुछ नहीं आता। सो यस, आगे पढ़ाई अब कर रही हैं, आगे क्या किस चीज़ की तैयारी करेंगी, क्या बनना चाहेंगी, क्या आपकी एम है? मैं एक्चुअली यूपीएससी देकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहूंगी, मेरा ड्रीम है। परिवार का सेम ही ड्रीम है कि अलग अलग? नहीं, मेरी फैमिली पूरा सपोर्ट करती है मुझे, मेरे पेरेंट्स, खासकर माय फादर, वो हमेशा मुझे इंस्पायर करते हैं। मैं बहुत टीचर, मेरी दिव्या मैम से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, जो मुझे हमेशा गाइड करती रहती है अच्छे मार्क्स से। क्या बनना चाहेंगे आगे, क्या आगे चल के क्या तैयारी करेंगी, किस और आपका रुझान रहेगा? सर मुझे आगे यूपीएससी करना है, आईएएस ऑफिसर बनना है और जिसमें मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट है। मेरी माँ का ये कहना है कि इट्स डिपेंड ऑन यू, तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें पता है तुम्हें आगे क्या करना है, किसी के प्रेशर में आने की तो ऑब्वियसली जरूरत ही नहीं है कि तुम्हें आगे क्या करना है। और अभी मैं सीयूईटी की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं मेरा सिलेक्शन डीयू में हो या फिर बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में हो, मैं ये 2 यूनिवर्सिटीज अभी टारगेट कर रही हूँ। जो छात्र आज जिनका रिजल्ट कम आया है, उम्मीद से कम आया, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज कहीं मैटर नहीं करते, नॉलेज मैटर करता है। ऑब्वियसली यदि आप में नॉलेज है तो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑब्वियसली क्लियर कर सकते हैं, और परसेंटेज मेरे अकॉर्डिंग इतने मैटर नहीं करते हैं, यदि आपको नॉलेज है तो आप हर फील्ड में हर जगह आगे हैं। तो परसेंटेज कम भी आए तो निराश होने की जरूरत नहीं है, खुश रहिए और फैमिली के साथ एंजॉय। सुभाष स्कूल में मौजूद हैं और हमारे साथ मैम हैं। मैम, किस तरह से बच्चों की तैयारी आप लोगों ने कराया, और क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं आपके स्कूल से जो है टॉप किए हैं। जी सर, सबसे पहले तो मैं अपने छात्र छात्राओं को बहुत बधाई देना चाहूँगी, विद्यालय परिवार और स्टाफ की ओर से, हमारे प्राचार्य सर की ओर से, और इनका खुद का एक अपना योगदान होता है, जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं और इस चीज़ को अचीव करते हैं, आज जिस चरण में आकर खड़े हुए इनकी मेहनत दिखती है। हाँ, सपोर्ट की बात है तो हमारे विद्यालय परिवार के प्राचार्य सर का हमेशा पॉजिटिव सपोर्ट रहता है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और साथ में ही हमारे विद्यालय की मैडम भी है, साथ में सभी टीचर्स का बहुत सहयोग रहता है, समय समय पर पढ़ाई उनको कराते हैं, उनकी रेमेडियल क्लासेस, उनकी नीट जितनी जरूरत पड़ती है, चाहे किताबों से संबंधित हो, रिवीजन से हो, सबसे बड़ा योगदान हमारे स्कूल और स्टाफ मेंबर्स का होता है। सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय की आप प्राचार्य हैं, किस तरह से बच्चों की तैयारी लगा, ज्यादातर होता है कि शासकीय स्कूलों में लोग सोचते हैं पढ़ाई नहीं होती, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादातर बच्चे जो है आपके स्कूल से टॉप किए हैं। हमारे स्कूल से टॉप करने के लिए इसलिए ज्यादा आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सारा टीम वर्क बहुत अच्छा है, हमारे प्राचार्य सर
सारे टीचर्स को इकट्ठा करके बच्चों को किस तरीके से हमें मोटिवेशन देना है, टेस्ट लेना है या हमारे यहाँ होमवर्क देखना है या बच्चों को ज्यादा से ज्यादा किस तरह से उन्हें स्कूल में पढ़ाया जाए, उनकी सारी प्रॉब्लम को सुना जाए, ये सब करते हैं। इसलिए हमारा पूरा स्टाफ इसके लिए तत्पर रहता है कि हमारे यहाँ के बच्चे मेरिट में आए और बहुत अच्छा अपना परफॉर्म करें। जिस तरह से रिजल्ट आया है, उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जिनके बच्चों का कम परसेंटेज आया है? दूसरी बात, जो प्राइवेट स्कूलों की ओर रुझान रुख रखते हैं कि शासकीय स्कूलों में जो एक मनसा होती है कि पढ़ाई कम होती है, उनके लिए हमारा ये कहना है अगर बच्चा रेगुलर स्कूल आता है और क्लास अटेंड करता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस बच्चे का रिजल्ट अच्छा ना आए। तो सबसे पहले पेरेंट्स को अपने बच्चे के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए। जो वो दबाव बना के रखते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर ही बने, डॉक्टर ही बने, बच्चे को आप इस तरह से तैयार करिए कि जो उसकी रुचि है जिसमें, क्योंकि इस बार NCERT ये भी करने जा रहा है कि बेसिक मैथ्स और सामान्य मैथ्स कर रहा है, तो जैसे बच्चा जिसका मैथ्स में रुचि होगी वो सही वाला मैथ्स लेगा और जिसको नहीं आता होगा वो ऐसे काम चलाओ वाला मैथ्स लेगा। तो आपको क्या करना है कि बच्चे को उसके ऊपर रहने दीजिए, उस पर दबाव न बनाइए। बच्चा मोबाइल कम से कम देखे, स्कूल रेगुलर आए, टीचर जो पढ़ाता है उसको रिविजन करे और जितने भी टेस्ट परीक्षा होती है, जितने भी पेपर होते हैं, उन सबको वो अच्छे से सॉल्व करे तो उनकी समस्या दूर हो सकती है। प्रशांत, बहुत सारे छात्र हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या देना चाहेंगे कि किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे आज 11th में हैं वो भी आपको देख रहे हैं और जिन्होंने कम नंबर है उनको क्या मैसेज देना चाहिए? बिल्कुल, अगर जो जिनके कम नंबर है उनको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने मेहनत करी, आपने लगन लगाई, वो मेहनत जो आपने हमारे स्कूल के टीचर्स हमसे कहा करते हैं कि एजुकेशन पे की गई इन्वेस्टमेंट कभी डिसएडवांटेज होती, कहीं ना कहीं जाके आपको फायदा होगा ही। उस एजुकेशन का जो इन्वेस्टमेंट की है आपने आपके नॉलेज में, वो आपको आगे काम आएंगी। निराश होने की जरूरत नहीं है, जीवन है, उथल पुथल होते रहते हैं, अब आगे की तैयारी करें। और जो मेरे जूनियर्स हैं 11th में जो है, जो सल 12th में आने वाले हैं, आ चुके हैं, उनके लिए मेरा सेम मैसेज है कि आप लोग स्कूल के टीचर्स को बहुत कंसीडर, सीरियसली कंसीडर करें। हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल सर, बहुत पेरेंट्स भी हैं यहाँ पर? नहीं सर, पापा की चाय की दुकान है तो वो आ नहीं पाए, इसलिए मैं आया हूँ। मेरी दीदी आई है मेरे साथ। कहाँ पर है दीदी? बिल्कुल, इनके परिवार के भी लोग हैं। ये बताइए किस तरह से पढ़ाई करते थे, किस तरह से तैयारी कर रहे थे? उसका रूटीन ऐसा था कि सुबह वो स्कूल जाता था, स्कूल से आके वो आके कंटिन्यू उसके स्टडी करता था, कंसिस्टेंटली करता था, वो रोज करता था। ऐसा नहीं है कि कोई गैप हो जाए, फैमिली फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो कुछ भी अटेंड नहीं करता था। हमेशा उसको उसकी पढ़ाई से लगन रही है, हमेशा से करता आ रहा है और अभी भी कर रहा है। आगे उसे JEE देना है। JEE सोशल मीडिया पर लोग ज्यादातर बच्चे ध्यान देते, क्या ये सोशल मीडिया यूज कर रहे थे बराबर? हाँ, सोशल मीडिया यूज कर रहा था पर इतना नहीं कर रहा था, उसको उसके स्टडीज पे ज्यादा ध्यान देता है वो। सोशल मीडिया तो यूज, बाकी इंस्टाग्राम वगैरह कुछ कुछ चला लेता था पर इतना नहीं, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए। वो छात्र हैं जिन छात्रों ने शासकीय स्कूल सुभाष नगर भोपाल की जो है उसमें इन छात्रों ने टॉप किया, कोई 10th में है, कोई 12th में है, तो ये छात्र हैं जो एग्जाम दिए और एग्जाम माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की परीक्षा में ये वो छात्र हैं जो टॉप किए हैं और अब स्कूल में सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट जारी होने के बाद अब छात्र जो है यहाँ आकर अब सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुशी उनकी जाहिर भी हो रही है साफ तौर पर यहाँ, क्योंकि जिस तरह से 7 के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उनको अब और ज्यादा मोटिवेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से इन बच्चों ने जिक्र किया कि ये एक दिन की मेहनत नहीं है, लगातार इसी तरह से कंसिस्टेंट होकर के ये मेहनत करनी पड़ती है और तभी इसी तरह के नतीजे निकल के सामने भी आते हैं। और भी बच्चे वहां पर हों तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल, कई छात्र हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आप भी, आप किस क्लास में हैं? 12th में जी। आपका कौन सा स्थान है? 90.2 आया है। ये बताइए किस तरह से आपने तैयारी की? कुछ नहीं सर, JEE की तैयारी कर रहे थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी डेली स्कूल में भी आते थे, स्कूल में आते थे, सर लोग बताते थे स्ट्रेटजी की शॉर्ट में भी जाया जा सकता है, ऐसे आराम JEE की तैयारी करते, थोड़ा प्रेशर भी था, लेकिन सर ने बताया, मैम लोगों ने भी बताया कि आपको मतलब डरने की जरूरत नहीं है, प्रेशर भी नहीं लेना है, आराम आराम तैयारी करना है, तो उन्होंने शॉर्ट भी बताया और पढ़ाते थे डेली आराम से। ऐसे बच्चे हैं जो अभी जिनका परसेंटेज कम आया है, उम्मीद से कम आया है, उन्होंने उम्मीद की होगी कि हम टॉप करेंगे, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए कुछ नहीं, वही कि स्कूल में डेली जाते रहें और टीचर लोगों की सलाह लेते रहें, उनके बताए हुए रास्ते पर मेहनत करते रहें तो हो जाता है आराम से बस। बिल्कुल, कनिष्का हमारे साथ हैं। कनिष्का, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन छात्रों को जिनका कम परसेंटेज आया है लेकिन उन्होंने उम्मीद की थी कि अच्छा आएगा, उनके लिए क्या मैसेज?
हार जीत लगी रहती है, ये तो फर्स्ट स्टेप है, अभी बहुत जिंदगी बाकी है, तो बहुत आगे भी पढ़ना है। जिनको कॉम्पिटिटिव क्लियर करना है वो तो ऐसा सोच के बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि फिर अभी निराश हो गए तो फिर आगे क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप है, धीरे धीरे सक्सेस मिलती है, सबको मिलती है, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अजय, दसवीं की टॉपर अनुष्का अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई है मंडला से। बहुत स्वागत है अनुष्का आपका, और बहुत मुबारकबाद भी आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से टॉप करने के लिए। कैसा महसूस कर रही है? अनुष्का, आपके पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं, टीचर्स कैसा फील कर रही है, और जिस तरह से आपने टॉप किया है इसके पीछे की मेहनत किस तरह से आपने की उसको भी बयां करिएगा। मैम सब बहुत खुश है, सब बहुत प्राउड है जी। मैं सारा मेरी मम्मी पापा का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा उसमें जी, मेरे टीचर्स की ब्लेसिंग। अनुष्का, जिस तरह से आपने टॉप किया है इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत रहती है, वो रूटीन को बताइएगा कि क्या आपका डेली बेसिस पे टाइम टेबल रहता था और उस पर आप फोकस करती थी जिसके बाद इस तरह के नतीजे निकल के सामने आए। अनुष्का, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो अनुष्का, आपको मेरी आवाज मिल रही है? यस मैम, यस मैम। अनुष्का, मैं आपसे आपका टाइम टेबल समझना चाह रही थी कि आखिरकार आपका क्या टाइम टेबल था जिसको आप फॉलो करते थे और उसके बाद इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपकी तरफ से दिया गया, वो कैसा टाइम टेबल था, क्या आप डेली बेसिस पर एक रूटीन आप फॉलो करती थी? डेली रूटीन में मैं बस नॉर्मली डेली रूटीन में ही पढ़ाई किया जी। अच्छा अनुष्का, क्या आपको इस बात को लेकर के आप कॉन्फिडेंस थी कि जिस तरह से आपने एग्जाम्स में आप अपीयर हुई हैं उसके बाद ऐसा ही नतीजे आने वाले हैं, क्या इसको लेकर के पूरी तरह से आप कॉन्फिडेंस थी? बस इतना ज्यादा का हो कभी नहीं था जी, बट हाँ थोड़ा बहुत होप थी। अनुष्का, एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, आगे आपकी क्या प्लानिंग है, क्या विचार कर रही हैं? अभी तो ट्वेल्थ भी बचा हुआ है, उसके बाद आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? मेरा भी आगे का ऐसा पूरा सेट नहीं है, बाकी मुझे कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करना है जो कि मैं ट्वेल्थ के बाद ही स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको आगे के लिए बहुत ज्यादा शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। और ये अनुष्का अग्रवाल थी जिन्होंने दसवीं में टॉप किया है। आकाश भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आकाश, जिस तरह से रिजल्ट्स निकल के सामने आए हैं और हम जिस तरह से रिजल्ट्स को देखते भी हैं तो बच्चों का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बेहद ही सराहनीय रहा है। अगर आपके साथ भी कोई बच्चे मौजूद हो तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करिएगा। देखिए, इस वक्त हम माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि बोर्ड ऑफिस में मौजूद हैं और यहीं से रिजल्ट जारी हुआ है। 82 छात्रों की मेरिट लिस्ट है दसवीं कक्षा की, और खास बात है कि इस मेरिट लिस्ट में भोपाल जिले का नाम ही नहीं है जहां तक मैं देख पा रहा हूं। यानी कि छोटे जिलों के जो बच्चे हैं इन बच्चों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा में कमाल किया है। खासतौर पर मंडला, बालाघाट, नीमच जैसे जो जिले हैं इन जिलों के बच्चों ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। छात्राओं ने इस बार भी मध्य प्रदेश की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं चाहे वो दसवीं की हों या बारहवीं की हों, इन दोनों बोर्ड परीक्षाओं में छात्राओं ने बाजी मारी है, छात्रों के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। मंडला, रीवा, सतना इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो छात्राएं, ये टॉपर लिस्ट में शामिल हैं। और अगर हम भोपाल जैसे बड़े शहरों की बात करें तो जैसा मैं जिक्र कर रहा था दसवीं की जो मेरिट लिस्ट है जी, इस मेरिट लिस्ट में भोपाल के किसी भी स्कूल का नाम तक नहीं है। ये वाकई में बड़े शहरों को सीख लेने की जरूरत है। और यही जो लगभग बारहवीं का रिजल्ट है, बारहवीं के अगर मेरिट लिस्ट की बात करते हैं तो तीन अलग अलग ग्रुप हैं। पहला है कला संकाय, फिर है विज्ञान और गणित संकाय, इसके बाद है कॉमर्स ग्रुप। इन तीनों ग्रुप की अगर टॉपर्स की बात करें तो यहाँ भी जो टॉपर्स हैं वो आगरमालवा, रीवा और अन्य जिले से हैं, बड़े जिलों से नहीं है। और स्कूल शिक्षा विभाग ने ये कहा है छात्रों से, जिन छात्रों के अच्छे अंक नहीं आए हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि छात्राओं ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और आदिवासी जिला जो कहा जाता है मंडला, इन जिलों के छात्रों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस बार की बोर्ड परीक्षाओं में दिया है।
बिल्कुल, आपने जिस तरह से जिक्र भी किया आकाश की, जो छोटे छोटे जिले हैं वहां के बच्चों की तरफ से जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, और हम उन तमाम बच्चों को शुभकामनाएं भी देते हैं जिनकी तरफ से ये बेहतरीन परफॉर्मेंस की गई है और उन्होंने एक अच्छे मार्क्स भी कहीं ना कहीं हासिल किए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए फिलहाल आप सभी का।